YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पलामू इकाई द्वारा 69वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर डाल्टनगंज शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में परिषद कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा पलामू जिला स्कूल के मैदान से प्रारंभ होकर सदिक मंजिल चौक, बेलवाटिका चौक व स्टेशन रोड होते हुए फ्लाई ओवर ब्रिज रेडमा चौक से गुजरकर बाईपास रोड, बैरिया चौक, गायत्री मंदिर रोड, सुदना, छमान होते पुलिस लाइन के शहीद स्मारक स्थल पर पहुंची, जहां दीप प्रज्वलित कर कार्यकर्ताओं ने वीर शहीदों का सम्मान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे गगनभेदी नारे लगाए। वक्ताओं ने कहा कि मोटरसाइकिल द्वारा तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए प्रेरित करने के साथ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया गया। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व नगर मंत्री विनीत पांडे ने किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेदिनीनगर नगर इकाई के द्वारा जिला स्कूल फील्ड से होते हुए हम लोगों ने एक तिरंगा मार्च निकाला, जिसमें समाज में हम लोगों ने एक विचार दिया कि जब भी हमारे भारत माता के पे आँच आएगा तब तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हर छात्र अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है और राष्ट्रीय विचारधारा को, राष्ट्रवादी विचारधारा को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं सब विचारों के साथ आज हम लोगों ने तिरंगा मार्च निकाला। साथ ही हम सभी को आमंत्रित करते हैं कल हमारे परमंडलीय कार्यालय गणपति धर्मशाला में सुबह 8 बजे झंडोत्तोलन का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।